हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कि अपनी इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं। इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा अपनी बॉडी का एक बहुत ज़रूरी सिस्टम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर देखा गया है लोगों को, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, लेडी हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, बार बार जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ज़रा ज़रा सी देर में छींक लग जाती है, खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, ठंड लग जाती है, ज़रा सा मौसम ख़राब हुआ, बुखार हो गया, ज़रा सी ठंड लग गई, तुरंत जुकाम हो गया, मौसम चेंज होने पे या फिर बाहर ज़रा सी डस्ट लग गई, कहीं धूल मिट्टी लग गई, पोल्यूशन में तबीयत ख़राब हो गई, ज़्यादा एसी में बैठ गए उससे तबीयत ख़राब हो गई। तो ये सब जो रीज़न है वो एक ख़राब इम्यूनिटी सिस्टम के हैं। तो आप लोगों को अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब जब ऐसा टाइम चल रहा है कोविड-19 का। उसमें क्या है कि आपने देखा ही है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रखो, इम्यूनिटी पावर है वो अपनी बढ़ा के रखो, अच्छी रखो। अब सवाल ये उठता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है ये स्ट्रांग कैसे करें, बच्चों के लिए क्या करें, बड़ों के लिए क्या करें, बुजुर्गों के लिए क्या करें। तो देखो, सिंपल सा एक फंडा है अपना, कोई भी चीज़ें एकदम से नहीं होती है कि आपने एक टैबलेट खाई और आपके अंदर बूस्ट एनर्जी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, एक रूटीन जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एंड तक सुनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी और लाभदायक होंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है खुद की स्पोर्ट्स का, मार्शल आर्ट्स का, टीचिंग का, और बाई क्वालिफिकेशन मैं BPED हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत इसका भी अपना ज्ञान है कि बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है वो अच्छे वर्कआउट के साथ साथ एक अच्छी डाइट लेता है, जिससे उसके अंदर स्टैमिना बढ़ता है और जो उसकी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, स्ट्रांग होती है। तो आप बने रहिए एंड तक मेरे साथ वीडियो में और पूरी वीडियो देखिए, ओके। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला, आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है, और सिर्फ वही लेना है जो आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो। जी हाँ, आपको सिर्फ वही लेना है जिससे आपके शरीर को फ़ायदा मिले। आपको कोई भी आड़ कबाड़ उल्टा सीधा ऐसा नहीं खाना है जो कि आपके शरीर को नुकसानदायक साबित हो। आपको क्या करना है कि जो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं वो भी हेल्दी लीजिए, जो आप लंच करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो डिनर करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। एक बार में ठूस ठूस के बहुत सारा खाने से बढ़िया है आप थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार में खाएं, या हो सके 5 बार में खाएं, बट वो थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा खा लिया अपना, फिर उसके 2-3 घंटे का गैप ले लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर 3-4 घंटे का गैप ले लिया, हर 4-4 घंटे के गैप पे आप 3 से 4 बार में खा सकते हैं। इसके बाद आप कुछ चीज़ों को शामिल कीजिए अपने डाइट में, जैसे कि मॉर्निंग में जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, दूध सभी के लिए ज़रूरी है। बाकी अगर किसी को अपना वेट घटाना है या बॉडी का जो सिस्टम है वो ठीक रखना है अपना, तो उनको क्या करना है, सुबह सुबह अपना गुनगुने पानी में या गर्म पानी में वो नींबू डाल के पी सकते हैं। नींबू के साथ साथ अगर वो तुलसी के पत्ते डालेंगे तो वो और भी अच्छा है अपना। एंड इसके अलावा आप जैसे जो सब्जियाँ खाते हैं या सब्जियाँ अपनी जो बनती हैं किचन में, तो किचन में बहुत सारी देसी जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ होती हैं, जो मसाले होते हैं, जैसे कि अपना लहसुन हो गया, अदरक हो गया, और दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, गरम मसाला हो गया, लौंग हो गई, ये सब आप अपनी सब्जियों में ऐड कीजिए। अगर आप जो भी सब्ज़ी बनाते हो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो उससे भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा बनता है। एंड जो सीजनल फल होते हैं अपना, जैसे गर्मियों के अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, कलरफुल अलग अलग, तो वो आप खाइए। कम से कम 2 से 3 फ्रूट पर डे आप खाइए जो उस सीजन में चल रहे हैं। तीसरा, आप हमेशा जो डाइट है वो चेंज कर करके खाइए, यानी कि आज हमने जैसे दोपहर में कुछ और खाया है, कल कुछ और खाया है, परसों कुछ और खाया है, तो डाइट अपनी चेंज करते रहिए। इससे क्या है, आपको पोषण मिलता रहेगा आपके शरीर को, और जो बॉडी है वो फिट रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। एंड आपको अच्छी डाइट लेने के साथ साथ एक अच्छी एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो लेट से उठते हैं, रात को लेट सोते हैं, टीवी देख रहे हैं, अपना मोबाइल में लग रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, 12-12 1-1 2-2 बज जाते हैं, वो सोते नहीं हैं। ये देखो एक आदत पड़ जाती है आज के टाइम में, शहरों में क्या है, बच्चे हो बड़े हो लेट सोते हैं, जिससे कि वो लेट उठते हैं। जब आप लेट सोएंगे
तो ये सबसे ज़्यादा खराब और ख़तरनाक है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, कुछ हो या ना हो, बट शरीर आपका है। अगर आप शरीर का ख्याल रखोगे, बॉडी का ख्याल रखोगे, तो बॉडी फिर लॉन्ग टाइम तक आपका ख्याल रखेगी, वरना फिर आप डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहेंगे, भारी भारी मेडिसिन हैं, टैबलेट हैं, वो आप खाते रहेंगे, और उससे फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है कई बार, और ये हमारे इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, एक अच्छी नींद लेनी है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। तीसरी बात आप डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, ओके, आपने काढ़ा भी पिया सुबह शाम, तुलसी का, दालचीनी अदरक डाल के, आपने ब्रेकफास्ट में अच्छे अच्छे फ्रूट्स लिए, दोपहर में प्रॉपर लंच लिया, दो तीन तरह की वेजिटेबल्स हो गई, चपाती हो गई, राइस हो गई, कर्ड हो गया, मिक्स सलाद हो गई, ये ले लिया, डिनर में भी आपने बहुत हेल्दी खाना लिया, मिक्स दाल हो गई और चपाती हो गई, राइस हो गया, या सोते समय आप दूध पी रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, नींद भी आप प्रॉपर ले रहे हैं, शाम को टाइम से सो जाते हैं 9:30-10 बजे, सुबह 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट तीसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपके लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। इनमें से आप अपने एज के अकॉर्डिंग और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, स्टेयर्स पे अप एंड डाउन कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, अपने कानों में ईयरफोन लगाइए और ईयरफोन लगा के अपना कोई भी जो फेवरेट गाना है वो चलाइए, आप उसमें डांस कर सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट आप कोई भी डांस कीजिए, उससे आपका बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं, मेन 4-5 योगा होते हैं, अपना भस्त्रिका हो गया, प्राणायाम हो गया, अपना अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया। सूर्य नमस्कार बहुत ईजी, सिंपल और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, अगर आप डेली सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी बॉडी फिट, स्ट्रांग और बहुत मजबूत रहेगी, आप चाहे किसी भी एज के हैं। सूर्य नमस्कार कोई भी कर सकता है, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी। तो सूर्य नमस्कार आप जरूर कीजिए, और इसके साथ में थोड़ा थोड़ा कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम जरूर ऐड कीजिए, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देंगे, स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त रहेगा और बॉडी फिट रहेगी, डॉक्टर्स के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब बॉडी फिट रहेगी तो आप चाहे स्टडी करते हैं, आप चाहे बिजनेस करते हैं, आप चाहे जॉब करते हैं, सभी में आप अच्छे से काम कर पाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। इसके अलावा आप जब पूरी डाइट अच्छी ले रहे हैं, नींद अच्छी ले रहे हैं और वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हैं, तो इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन आता है, आप अपनी सोच और जो विचार हैं वो बहुत अच्छे रखें। क्योंकि क्या होता है, लोग सब करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज भी करते हैं, पर हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा क्लसते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, चीज़ों में कमियाँ निकालते रहते हैं। जो ऐसा करते हैं वो जीते जी जलता रहता है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखनी है आपको, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है विद स्माइल, डेली आपको खुश रहना है, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सोचना है, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना है, और बुरी बातें बोलना तो छोड़िए, आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। आपका जो एम है उसको, एक टारगेट को बनाइए, चार्ट पेपर पे लिखिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में वर्क कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए, अपने घर वालों के लिए सोचिए, अपने आसपास की सोसाइटी के लिए सोचिए, समाज के लिए सोचिए और देश के लिए सोचिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।